नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पी के एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो कनिष्ठ अभियंता यानी JEN का जो रिजल्ट निकाला गया है, उसके बात करेंगे कौन कौन से इसमें कट ऑफ रही है, कितनी कट ऑफ JEN की आपकी सभी जो आपके क्षेत्र हैं उनमें रही है। 17/9/2022 को जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये रिजल्ट आज ही के दिन अभी जारी किया गया है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री की। सिविल डिग्री की बात कर लेते हैं। इसमें जो लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी गई है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के आपके ये पद हैं। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं इनमें। इसमें जो आपकी कट ऑफ रही है वो इस प्रकार है। जनरल की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ आपकी रही है 85.8321, जनरल फीमेल की आपकी 70.1754 रही है। EWS की बात करें, सॉरी, जनरल में जो डिवोर्स है उसकी आपकी जो कट ऑफ है वो 57.0033 रही है डिवोर्स की, जनरल कैटेगरी में। EWS की बात करें तो EWS में जनरल की आपकी 79.431, EWS फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 56.7188, विडो डिवोर्स की नहीं दी गई है। SC की बात करते हैं, SC कैटेगरी में जो जनरल हैं उनकी 75.5429 और SC फीमेल की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 49.303। ST कैटेगरी की बात करें तो जनरल ST की जो कट ऑफ है वो आपकी 80.5595 और ST फीमेल की जो कट ऑफ रही है आपकी 65.9934, ये ST कैटेगरी की है। इसके अलावा बात करें OBC कैटेगरी की तो OBC में आपके जनरल की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 82.5415 और OBC फीमेल की जो कट ऑफ रही है आपकी वो रही है 62.6743। आगे बात करते हैं MBC कैटेगरी की। MBC की जनरल की जो कट ऑफ है आपकी 79.5116 रही है और MBC फीमेल की जो कट ऑफ है आपकी वो रही है 51.854, शहरिया क्षेत्र की इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की कट ऑफ है उसमें बात करें SP की, SP कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है आपकी 49.0185, हैंडीकैप्ड की है HI की 45.1683 और LDCP की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 42.9777, एक्स सर्विसमैन की इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं TSP क्षेत्र की, अनुसूचित क्षेत्र की। अनुसूचित क्षेत्र में जो आपकी कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की दी गई है। जनरल की जो आपकी कट ऑफ है मेल की वो 73.817 और जनरल फीमेल की जो कट ऑफ रही है आपकी वो आपकी रही है 56.7568। SC कैटेगरी में जनरल की दी गई है 71.6074 और ST की जो कट ऑफ रही है जनरल में वो आपकी 48.4685 रही है। TSP क्षेत्र की कट ऑफ है ये। हॉरिजॉन्टल की कट ऑफ देख लेते हैं तो इसमें किसी भी कैटेगरी की हॉरिजॉन्टल के क्षेत्र में कट ऑफ है वो आपकी नहीं दी गई है TSP क्षेत्र में। इसके अलावा जो JEN दूसरा आपका विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग यानी DLB क्षेत्र की बात करते हैं। वो आपकी PWD क्षेत्र की कट ऑफ थी पहले, अभी DLB क्षेत्र की बात कर लेते हैं। DLB में जो कट ऑफ दी गई आपकी जनरल कैटेगरी की दी गई है, जनरल कैटेगरी की जनरल मेल्स की आपकी 81.2897 और जनरल फीमेल की आपकी 62.8639। EWS की दी गई है, EWS जनरल की यानी कि मेल की 78.0939 और EWS फीमेल की जो कट ऑफ दी गई है
55.1826। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपकी जनरल की दी गई है 72.0436। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी में जो जनरल है आपके मेल हैं उनकी दी गई है आपकी 78.5396, और फीमेल्स की इसमें दी गई है आपकी 59.9336। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करें तो जनरल मेल की आपकी 79.0517 और फीमेल्स की आपकी 58.8525 रही है। एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 65.377 आपकी जनरल की कट ऑफ रही है एमबीसी में। हॉरिजेंटल की बात करें तो इसमें आपकी कट ऑफ नहीं दी गई है कोई भी। अब बात करते हैं टीएसपी 76 की, तो टीएसपी में आपके जनरल की केवल कट ऑफ दी गई है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है भाई, केवल नहीं है, और जनरल में आपके जनरल जो मेल हैं उनकी कट ऑफ दी गई है। उनकी जो कट ऑफ रही है वो आपकी 72.7074 रही है आपकी जनरल कैटेगरी की। टीएसपी 76 में एससी की बात करते हैं तो एससी की भी नहीं दी गई आपकी, और इसके अलावा एसटी की भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल में अभी आपकी कोई कट ऑफ नहीं दी गई है। तीसरा जो आपका विभाग है इसमें वो है फेड का, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का, और इसकी कट ऑफ की बात करें आपके जेईएन में तो जनरल की बात करते हैं, जनरल की जो कट ऑफ रही है आपकी मेल्स की वो 78.8051 और फीमेल की आपकी 62.0578 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल मेल्स की 77.6482 और फीमेल्स की आपकी 55.1067 रही है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी में आपके वही जनरल की 70.9531 और एससी में फीमेल की आपकी 48.3831 रही है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी जनरल की आपकी 70.3732 और फीमेल की आपकी 58.3404 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी जनरल की आपकी 70.8094 और ओबीसी फीमेल की आपकी कट ऑफ रही है 58.5301। इसके अलावा एमबीसी में केवल आपके जनरल की दी गई है 64.2674। हॉरिजॉन्टल की इसमें कट ऑफ आपकी नहीं दी गई है। टीएसपी 76 की बात कर लेते हैं फेड में, तो टीएसपी में आपके जो जनरल कैटेगरी की है केवल उसी की कट ऑफ दी गई है 69.2176। तो ये आपकी कट ऑफ दी, सबसे पहले आपकी जो कट ऑफ थी जेईएन की, जो आपका विभाग था कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के जो पद थे आपके, उनकी जो कट ऑफ है, और इनमें तीन प्रकार की जो कट ऑफ है आपको बताइए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, आगे बात करें तो आपके कनिष्ठ अभियंता जो जेईएन है उसमें आपके यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ जान लेते हैं। उसकी कट ऑफ की बात करें तो आपकी नॉन टीएसपी की बात करते हैं सबसे पहले, और नॉन टीएसपी में आपके जनरल की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी में जनरल की जो कट ऑफ आपकी रही है वो है 86.0877 और फीमेल्स की जो कट ऑफ रही है आपकी 61.4561। डिवोर्स की दी गई है तो 55.9825 आपके डिवोर्स की जनरल में रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 83.0351 ईडब्ल्यूएस जनरल की रही है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपके जो मेल हैं उनकी रही है आपकी 75.4035 और एससी फीमेल्स की आपकी 57.3509। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल की दी गई है इसमें 79.9298 आपके एसटी की रही है। ओबीसी में नहीं दी गई आपके, एमबीसी की आपकी जो कट ऑफ रही है वो 78.2456 आपके एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ इसमें रही है। तो ये आपकी जो कट ऑफ थी कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा भर्ती में फेड विभाग के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ये कट ऑफ थी आपकी।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। आगे जो कट ऑफ है वो है आपकी कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री की, कौन सी है, डिग्री की है। इसमें आपके वही जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फेड की है, नॉन टीएसपी क्षेत्र की है। नॉन टीएसपी में जो कट ऑफ की बात करें तो जनरल की दी गई है आपकी, जनरल में मेल्स की आपकी 77.265 और फीमेल्स की आपकी 70.5182 दी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 75.9364 आपकी ईडब्ल्यूएस की दी गई है। एससी कैटेगरी में 72.2146 और फीमेल में एससी की जो फीमेल है उनकी जो कट ऑफ रही आपकी 63.0185। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी में जो आपकी कट ऑफ रही है वो जनरल मेल्स की आपकी 66.8657 और एसटी फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो आपकी 62.0751 रही है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में आपकी जो जनरल की कट ऑफ दी गई है और ये आपकी 76.6548 दी गई है। बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी में भी आपके जनरल की दी गई है 75.6984। हॉरिजेंटल में बात करें तो आपके एलडीसीपी की जो कट ऑफ है वो दी गई है और ये आपकी रही है 49.5337। तो ये आपकी जो कट ऑफ डिग्री लेवल के जो आपके कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत थी उनकी कट ऑफ लिस्ट थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका वो है डिप्लोमा में, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा के लिए है और इसकी कट ऑफ की बात करते हैं। नॉन टीएसपी की है सबसे पहले, और नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है आपके जनरल में जनरल मेल्स की आपकी रही है 88.7426 और फीमेल्स की रही है आपकी 73.5907। ईडब्ल्यूएस जनरल की आपकी जो कट ऑफ है वो रही है 86.9705। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपके जनरल की 78.9662, एसटी कैटेगरी में आपके 71.8903 कट ऑफ रही है। इसके अलावा ओबीसी में आपके ओबीसी जनरल की दी गई है और जो कट ऑफ रही है वो है आपकी 85.0464। हॉरिजेंटल में आपके एक्स सर्विसमैन की दी गई है और ये आपकी 42.9747 आपकी कट ऑफ रही है। तो ये आपकी डिप्लोमा भर्ती के लिए थी, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा भर्ती की कट ऑफ थी। आगे बात करते हैं, आगे आपकी दी गई है कनिष्ठ अभियंता डिग्री विद्युत डिग्री भर्ती के लिए, पहले डिप्लोमा थी अब क्या है भी डिग्री के लिए है। और इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, नॉन टीएसपी के ये स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी में है और इसकी डीएलबी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की दी गई है, जनरल मेल्स की आपकी 86.1197 रही है, जनरल फीमेल की 76.8889 आपकी कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपकी जनरल की मेल्स की 84.7009 और फीमेल्स की आपकी रही है 70.8889। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी जनरल की आपकी 80.5299 और फीमेल्स की आपकी एससी में 69.7607 कट ऑफ रही है। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी की जो जनरल है उनकी जो कट ऑफ रही आपकी 70.9915 और फीमेल की भी आपकी 70.9915, यानी सेम रही है फीमेल और मेल की दोनों की एसटी में। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी जनरल की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 83.4359 और फीमेल्स की जो कट ऑफ रही है वो रही है ओबीसी में आपकी 76.4957। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की दी गई है और ये रही है आपकी 70.8803। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आपके एलडीसीपी की दी गई है और ये कट ऑफ आपकी जो रही है वो 55.2393 आपकी कट ऑफ रही है। तो ये आपकी जो कट ऑफ थी वो थी कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री भर्ती 2022 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपकी कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा भर्ती के लिए, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा भर्ती।
इसकी कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले नॉन टीएसपी की दी गई है और नॉन टीएसपी में आपके जनरल की दी गई है। जनरल मेल्स की जो कट ऑफ रही है वो 86.3333 रही है और जनरल में फीमेल्स की जो आपकी कट ऑफ रही है वो रही है 71.6667। डिवोर्स की जनरल कैटेगरी में बात करें तो 57.3333 आपकी कट ऑफ जनरल डिवोर्स कैटेगरी के अंतर्गत रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की आपकी जो कट ऑफ है वो दी गई है और ये 79 रही है और इसमें आपके विशेष बात है डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है 9/6/1996। ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए ये डेट ऑफ बर्थ। फीमेल की बात करें तो 65.667 आपकी कट ऑफ रही है। एससी कैटेगरी में जनरल की आपकी 80 कट ऑफ रही है और फीमेल की आपकी 65। एसटी की बात करें तो एसटी में जनरल की आपकी कट ऑफ जो रही है वो 83.6667 और एसटी फीमेल की आपकी 70.6667 रही है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी जनरल की आपकी 84.333 कट ऑफ रही है और डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है इसमें 3/6/1994। ओबीसी फीमेल की बात करें तो फीमेल की आपकी ओबीसी में जो कट ऑफ रही है वो 70.3333 कट ऑफ रही है। एमबीसी की बात कर लेते हैं तो एमबीसी में जनरल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 77.6667 आपकी कट ऑफ रही है एमबीसी कैटेगरी में। सहरिया की आपकी नहीं दी गई है। हॉरिजेंटल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपके एसपी की दी गई है 73 कट ऑफ रही है। इसके अलावा हैंडीकैप्ड एचआई की 45.6667, एलडीसीपी के लिए 55.667 आपकी कट ऑफ रही है। एक्स सर्विसमैन की नहीं दी गई। टीएसपी छत्तर की बात कर लेते हैं। टीएसपी में जनरल की दी गई है आपकी और ये आपकी 75.3333 कट ऑफ रही है। इसके अलावा टीएसपी छत्तर में एससी की बात करते हैं। एससी की कट ऑफ नहीं दी गई है। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी की आपकी 48.6667 आपकी कट ऑफ रही है। एससी कैटेगरी की बात करें अभी हम एसटी कैटेगरी की, एसटी की 48.667 आपकी कट ऑफ रही है। हॉरिजॉन्टल की आपकी नहीं दी गई है। दूसरा जो आपका विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग, डीएलबी के लिए है भी इसमें, और इसमें भी आपके नॉन टीएसपी की कट ऑफ दी गई है। नॉन टीएसपी जनरल की जो कट ऑफ रही है वो आपकी 82.667 और डेट ऑफ बर्थ आपकी 30/7/1996। जनरल की क्या कट ऑफ है भाई? जनरल मेल्स की आपकी 82.6667। जनरल फीमेल की बात करें तो 68.3333 कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके जनरल की है 79 रही है और डेट ऑफ बर्थ दी गई आपकी 27/12/1996। ईडब्ल्यूएस फीमेल की आपकी 65 रही है, 65 है। एसटी एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी जनरल की है और जनरल की जो आपकी एससी में मेल्स की रही है वो 76.333 रही है। फीमेल की आपकी जो एससी कैटेगरी में 55.6667 आपकी कट ऑफ रही है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी में जनरल मेल्स की आपकी 80.3333 और फीमेल्स की आपकी 65 कट ऑफ रही है एसटी कैटेगरी की। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो जनरल है उनकी आपकी 82 रही है और जो फीमेल्स हैं उनकी एक कट ऑफ रही है आपकी 66.3333। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ दी गई है 74.6667 आपकी कट ऑफ रही है। हॉरिजॉन्टल में आपके एलडीसीपी की कट ऑफ दी गई है और ये आपकी 50.333 कट ऑफ रही है। इसके अलावा जो तीसरा विभाग है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग फेड दिया गया है और इसमें बात करें आपके कट ऑफ की तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है, जनरल मेल्स की दी गई है 80.6667, डेट ऑफ बर्थ दी गई है आपकी 31/5/1992। जनरल फीमेल्स की बात करें तो 67.667667 आपकी कट ऑफ रही।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 76 रही आपकी जनरल की और फीमेल की 63 रही है। एससी कैटेगरी में जनरल मेल्स की 75.6667 और फीमेल्स की आपकी 53.3333 कट ऑफ रही है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी जनरल मेल्स की आपकी 74.3333 कट ऑफ रही है और फीमेल्स की आपकी 53.53 कट ऑफ रही है। इसके अलावा बात करें आपके ओबीसी की तो ओबीसी की आपकी 80.3333 कट ऑफ रही है। डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है 27/3/1993। ओबीसी फीमेल्स की बात करें तो इसमें आपकी 66.3333 कट ऑफ रही है और इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो 31/1/1984 दी गई है। एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एमबीसी जनरल मेल्स की जो कट ऑफ रही है आपकी 70 रही है और फीमेल की जो एमबीसी में कट ऑफ रही है वो आपकी 62 रही है। हॉरिजेंटल की बात करें इसमें तो एलडीसीपी की दी गई है जो आपकी 47.6667 आपकी कट ऑफ रही है। टीएसपी छत्तर की बात कर लेते हैं तो जनरल की आपकी कट ऑफ दी गई है टीएसपी छत्तर में और ये आपकी 74.6667 कट ऑफ रही है। एसटी की आपकी नहीं है इसमें, हॉरिजेंटल की भी कट ऑफ नहीं दी गई है। तो इस प्रकार आपके जो जेईएन डिग्री डिप्लोमा जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए थे उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।